हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक इमोजी नेम आईडी कैसे क्रिएट करें बहुत इजी ट्रिक में। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर वाली मेरी इमोजी है और नीचे वाला मेरा सैम्बल है आर्यन वाला। तो इस वीडियो में मैं ये एक्सेप्ट करवा के दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ पे बने रहो वीडियो में और मैं जो करूँगा सब लाइव प्रूव करके दिखाने वाला हूँ आपको। बहुत से बंदों से मैं समझा के थक गया हूँ और बता बता के थक चुका हूँ कि वो फिर भी कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि उनके सैम्बल जो है एक्सेप्ट नहीं होते। तो गाइस, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लो, उसके बाद आपको कहीं नहीं जाना है और आपका सैम्बल जो है एक्सेप्ट हो जाएगा 110%। तो यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है अपडेट नेम से वापस आ चुका है। तो सिंपली आपको यहाँ पे डोंट अपडेट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऊपर वाले बॉक्स से लिंक को कॉपी कर लेना है। लिंक कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे वाली वेब में पेस्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आप देख सकते हो दोनों में सेम इंटरफेस ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट बॉक्स में चूज़ फाइल, तो यहाँ पे आपको वो स्क्रीनशॉट डाल देना है जो अपने आईडी को अपडेट नेम पे भेजते टाइम जो स्क्रीनशॉट लिया था। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपना स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ जो मैंने आईडी को अपडेट नेम पे भेजते टाइम जो स्क्रीनशॉट लिया था। और इसी तरीके से आपको ऊपर और नीचे दोनों बॉक्स में वही स्क्रीनशॉट डाल देना है। तो मैं यहाँ पे भी वही स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ ऊपर और नीचे वाले बॉक्स में। उसके बाद हमारा यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट वाला काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में फर्स्ट नेम में आपको अपनी इमोजी लगा देनी है गाइस। तो यहाँ पे मैं इमोजी लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी इमोजी ऐड कर ली है। इमोजी ऐड करने के बाद अब लास्ट बॉक्स में आपको यहाँ पे ये सैम्बल लगा देना है। तो गाइस, यहाँ पे मैं ये सैम्बल डाल देता हूँ। सैम्बल डालने के बाद जैसे मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ इतना ही आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने ब्राउज़र में आ जाना है। ब्राउज़र में आने के बाद लास्ट बॉक्स में इसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप इतना काम करोगे उसके बाद आपका जो पहला फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट बॉक्स में आपको फर्स्ट नेम में वो निकनेम डाल देना है जो अपने आईडी को अपडेट नेम पे भेजते टाइम जो निकनेम डाला था। उसके बाद यहाँ पे कोई भी दो कैपिटल वर्ड डाल देना है आपको। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया PX। तो गाइस, इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे करना होता है सबमिट। सबमिट कैसे करना है, जो सैम्बल वाला बॉक्स है उसको फर्स्ट स्टेप में करना है, जो निकनेम वाला है उसको सेकंड स्टेप में करना, दोनों को एक साथ है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अपने सैम्बल को सबमिट। तो गाइस, यहाँ पे मैंने अपने सैम्बल जो है वो सबमिट कर लिए। सबमिट करने के बाद बस आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो मेरे जो सैम्बल हैं फेसबुक टीम को सक्सेसफुली सेंड हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे कर लेना है अपनी आईडी को लॉकआउट। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपनी आईडी कर लेता हूँ लॉकआउट। और आईडी लॉकआउट करने के बाद यहाँ पे कर लेना है आपको कुछ देर वेट, जैसे मेरे सैम्बल एक्सेप्ट होते हैं मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। और मैं बस सैम्बल में थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देता हूँ, अगर मेरे सैम्बल एक्सेप्ट नहीं होता है कभी भी तो थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देता हूँ, बस इतना ही करता हूँ और कुछ भी नहीं करता। तो गाइस, यहाँ पे मेरा जो सैम्बल है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे अपना सैम्बल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपना फेसबुक लाइट ओपन। तो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना फेसबुक लाइट ओपन कर लिया है। इतना करने के बाद यहाँ पे मेरा जो फेसबुक लाइट है वो ओपन हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे। और अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपनी आईडी को लॉगिन। तो गाइस, ये जो आईडी है मेरे एक भाई ने मुझे दी थी और बोला था कि यार भाई ये वाला जो नाम है वो एक्सेप्ट करवा के दे दो, मतलब उससे नहीं हो रहा था। तो आईडी ऐसी आप लॉगिन करो, उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो सैम्बल है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे सिंपली अपडेट नेम पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपडेट नेम पे क्लिक करोगे उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कर देना है गो टू न्यू स्पीड पे क्लिक। जैसे ही आप गो टू न्यू स्पीड पे क्लिक करोगे उसके बाद जो हमारी आईडी है वो ओपन हो जाएगी गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो आईडी है वो ओपन हो चुकी है और यहाँ पे जो मेरा सैम्बल है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पे निकनेम भी देख सकते हो और मेरा जो सैम्बल है वो भी देख सकते हो। तो बस मैंने इस सैम्बल में हल्की सी चेंजिंग की थी क्योंकि वो जो सैम्बल था मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, मतलब कुछ स्टाइलिश सा नहीं लग रहा था। तो उसके बाद गाइस, यहाँ पे इमोजी ऐड कर लेते हैं इमोजी आईडी में। तो आपको 3 डॉट पे आ जाना है यहाँ पे। अब मैं अपनी आईडी पे इमोजी ऐड करके दिखा देता हूँ। 3 डॉट पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम वाले आइकन पे क्लिक कर देना है।
तो गाइस यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज ऑर्डर नेम। तो गाइस यहाँ पे ऑर्डर नेम पे क्लिक कर देना है आपको। ऑर्डर नेम पे क्लिक करने के बाद आपको जो फर्स्ट नंबर का नाम आ रहा है, हमारा जो सैम्बल आ रहा है, इसमें इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड दे देना और हमारी जो इमोजी आईडी है वो शो हो जाएगी। तो गाइस इसी तरीके से आप अपनी आईडी की इमोजी शो करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कर लेता हूँ सेव चेंज पासवर्ड डालने के बाद। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो इमोजी है वो मेरी आईडी में शो हो रही है बहुत। तो अब मैं आपको अपनी आईडी की प्रोफाइल दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी आईडी की जो इमोजी है वो इमोजी शो होने लगी। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को दबा के